रैनी के गांव पाली के दो पक्षों में आपसी कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान एक पक्ष ने जेसीबी मशीन का पंजा दूसरे पक्ष की बोलेरो गाड़ी पर मार दिया, जिससे बोलेरो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। झगड़े में जेसीबी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हेड कांस्टेबल हारून ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पहुंची रैनी पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 व्यक्तियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है और बोलेरो गाड़ी में जेसीबी मशीन में एक ट्रैक्टर बोलेरो को जब्त किया है। सूचना मिली कि इधर अपने ये नांगल जो है, नांगल अपना रेणीवास नांगल है, यहाँ पर कोई दो पक्षों में झगड़े की सूचना है। तो सूचना पर SHO साहब और जाब्ता जो है, मैं जाब्ते के गए, जाकर के देखा तो 9-10 लड़के जवान टाइप के थे जो आपस में जो है झगड़ा कर रहे थे। तो उनको काफ़ी समझाया भी, बाकी तो उत्तेजित इतना ज़्यादा हो रहे थे कि अगर उनको गिरफ्तार नहीं करते तो वो अवश्य ही कोई ना कोई जो है नाकाबिल दस्तानदाजी पुलिस कार्य कर देते वो। तो इसलिए जो है फिर SHO साहब के आदेश से और उनको सभी को गिरफ्तार करके थाने पर लिया है, ला करके उनको कोर्ट में पेश कर दिया श्रीमान SDM साहब के यहाँ से। एक जेसीबी और ट्रैक्टर और जेसीबी बोलेरो, हाँ एक बोलेरो भी थी जिसमें बोलेरो डैमेज भी हुई है इनके झगड़े में, कोई जेसीबी से उसमें वो लोडर की या कुछ की मारी है। दोनों को जब्त किया है? हाँ दोनों को जब्त किया है, जेसीबी को भी और उनको भी, दोनों वाहनों को जब्त कर लिया और 10 आदमियों को जवानों को जब्त कर लिया, इनको गिरफ्तार कर लिया। ट्रैक्टर भी है कोई जब्त? एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर जब्त, हाँ एक ट्रैक्टर। थैंक यू सभी को।